पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ऐसी सोच कभी मत रखियो मेरे भाई। और शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। किसी ने बना ली ना तो जो आप बोलोगे वो करने को तैयार हूँ मैं। एक गाड़ी ने मेरे को इतना ज्यादा मशहूर कर दिया है कि मैं हर जिस जगह से मैं निकलता हूँ ना, मेरी गाड़ी को लोग बाग देख के कोई ना कोई अच्छा कमेंट देते हैं। सामने आए वीडियो में एक स्कॉर्पियो दिखाई दी जिसमें बैठकर बदमाश भागते नजर आए। भैया जी स्कॉर्पियो क्या लेना चाहते हैं? गाड़ियों की दुनिया में इकलौती ऐसी गाड़ी जिसको बड़े पापा के नाम से संबोधित किया जाता है। आप चाहे जितने ही शरीफ परिवार से आते हो लेकिन जब इसके अंदर बैठोगे ना, मन करेगा अपनी स्कॉर्पियो। गुरूर तो होगा ना, घर में सबसे छोटे बेटे की मोहब्बत होगा। अकेला खड़ा रहने का दम रखते हैं भगत, फिर बेशक सामने वाला विधायक क्यों ना हो। गुरु भाई आपकी तरक्की के पीछे बहुत उंगलियां उठ गई हैं, आप बहुत तेजी से जा रहे हैं। ये रेस है। सुन पापा की परी, जितने की तेरी स्कूटी है ना उतने के इसके टायर हैं। दोस्तों मार्केट में नई मूंगफली आ जाए लेकिन जो है बादामों के भाव नहीं गिरा करते, ये वाला डायलॉग ना परफेक्ट बैठता है अपनी स्कॉर्पियो के लिए। मुझे कोई क्यों इग्नोर करेगा, मैं तो खुद ही किसी के मुंह नहीं लगता। बाप के चेहरे पर मुस्कान आ गई, माँ के लिए तोहफे में साड़ी ले आए, हमसे जलने वालों देख लो हम गाड़ी ले आए। किसी का नौकर बन के काम करना पसंद नहीं है भाई साहब, हम अपनी जिंदगी के राजा खुद बनेंगे। महिंद्रा थार ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, चलता फिर तो शमशान घाट है। अब जैसे ही से रोड पे लेके निकलेंगे ऑटोमेटिक लोग की गांड जलना आपसे चालू हो जाएगी। मानिए आपके पास बहुत पैसा है और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके पास पैसा है, तो आप कोई फालतू चीज नहीं करेंगे, बस अपने घर के आगे महिंद्रा थार खड़ी कर देंगे। मानिए आप बहुत शरीफ है, वायलेंस से दूर रहते हैं, लेकिन गलती से भी आप कभी इस गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्यों आपका हमेशा वेपन कैरी करने का मन करने लगेगा।